आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को जीतकर कैसे कल्पवृक्ष लाकर अपनी प्रिया सत्यभामा जी को दिया था। यूं तो श्रीमद्भागवतम में भी इसकी चर्चा की गई है, लेकिन गर्ग संहिता के अश्वमेघयज्ञ खंड के तीसरे और चौथे अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे लाए थे श्री कृष्ण कल्पवृक्ष। एक समय देवर्षि नारद स्वर्ग से परिजात का एक फूल लेकर द्वारिकापुरी में आए और वह फूल उन्होंने श्री कृष्ण को दिया और श्री कृष्ण ने उस फूल को लेकर के रुक्मणी जी के हाथों में दे दिया। इससे सत्यभामा को बहुत दुख हुआ और वह कोभवन में चली गईं। इससे श्री कृष्ण ने उनके पास जाकर कहा कि आप दुखी ना हो, मैं आपको परिजात का वृक्ष ही ला कर दूंगा। और उसी समय इंद्र ने आकर श्री कृष्ण के समक्ष भौमासुर के बारे में सारी बातें बताई। यह सुनकर भगवान ने हाथ जोड़कर इंद्र की ओर देखते हुए कहा कि देखिए, मेरी प्रिया सत्यभामा दुखी है, उनको परिजात का वृक्ष चाहिए। यदि आप सत्यभामा के लिए परिजात का वृक्ष दे देंगे तो मैं सेना सहित भौमासुर का संहार कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण की बात सुनकर देवराज इंद्र ने जोर से हंसते हुए कहा कि हे कृष्ण, आप नरकासुर का वध करके नंद वन में जो भी परिजात का वृक्ष है जो आपको पसंद है, आप उनको स्वतः ले लीजिएगा। इस पर श्री कृष्ण ने वमस्तु कहा और सत्यभामा के साथ गरुड़ के कंधे पर आरूढ़ होकर के भौमासुर को मारने के लिए निकल पड़े। उस समय देवी सत्यभामा ने उनको कहा कि हे जगतपति, आप पहले इंद्र से वृक्षराज परिजात को ले ले। हे हरि, अपना काम निकल जाने पर हो सकता है कि इंद्र आपका प्रिय कार्य नहीं करेंगे। प्रिया की बात सुनकर तब श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मांगने पर इंद्र परिजात नहीं देंगे तो मैं उनसे किसी भी तरह से ले लूँगा, इसलिए आप चिंता न करें। और श्री कृष्ण भौमासुर नगर में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने भौमासुर को पराजित किया और वहाँ से 16,100 कन्याएँ थीं उनको द्वारिकापुर भेजा और उनसे इंद्र के छत्र और मणि लेकर के और माता अदिति के दोनों कुंडल प्राप्त कर इंद्रपुरी गए वहाँ से परिजात के वृक्ष को लेने के लिए। तब स्वर्ग में जाकर के इंद्र को उन्होंने उनका छत्र और मणि दिया और श्री कृष्ण ने माता अदिति को उनके दोनों कुंडल अर्पित किए। माता अदिति ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और इंद्र ने भी परिजात को ले जाने की स्वीकृति दे दी। तब भगवान श्री कृष्ण नंदन वन में गए और वहाँ बहुत से परिजात वृक्षों का अवलोकन किया और उसी में एक महान वृक्ष था जो कि बहुत सी मंजरियों से धारण किए हुआ अनुपम शोभा पा रहा था। कहते हैं कि वह वृक्ष क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुआ था, उससे कमल की सी सुगंध आ रही थी। और उस परिजात वृक्ष को देखकर माननीय सत्यभामा ने माधव से कहा कि हे श्री कृष्ण, इस संपूर्ण वन में यही वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है, अतः मैं इसी को पसंद करती हूँ। और सत्यभामा की यह बात कहने पर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने हंसते हुए उस परिजात वृक्ष को उखाड़ा लीलापूर्वक गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसी समय क्रोध से भरे हुए समस्त वनपाल थे जो उस वन की रक्षा करते थे, वो सब आए और श्री कृष्ण को संबोधित करके कहने लगे कि अरे मनुष्य, यह इंद्रवल्लभा महारानी सची का वृक्ष है, इसका तुमने अपहरण क्यों किया है? अपनी इच्छा से इसको तुम क्या तिनके समझ करके ले जा रहे हो? इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह तो पूर्व काल में समुद्र मंथन के समय देवताओं ने इंद्राणी को प्रसन्नता के लिए इस वृक्ष को उत्पन्न किया था और इसे लेकर तुम सकुशल नहीं रह सकोगे। जिन्होंने पहले समस्त पर्वतों के पंख काट गिराए थे, उन वृतासुर निषूदन वीर महेंद्र को जीत कर ही तुम इस वृक्ष को ले जा सकते हो। अतः इस परिजात के वृक्ष को यहीं छोड़ दो। अगर इंद्र स्वयं इसे आपको दे दे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इस वन के सिर्फ रक्षक हैं, इस वृक्ष की नहीं। वन रक्षकों का जब यह बात सत्यभामा देवी ने सुना तो वह रोष से तमतमा उठी। श्रीहरि तो चुप ही रहे, किंतु सत्यभामा ने निर्भय होकर के उन रक्षकों से बोली, यदि यह परिजात वृक्ष अमृत मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुआ है तब तो यह सामान्यतः संपूर्ण लोक की संपत्ति है। तुम्हारी सची अथवा देवराज इंद्र इस परिजात के कौन होते हैं?
उन्हें अकेले इस पर अपना स्वत्व जताने का क्या अधिकार है? समुद्र से प्रकट हुई वस्तुओं को अकेले देवराज इंद्र कैसे ले सकते हैं? वन रक्षकों जैसे अमृत, चंद्रमा और जैसे लक्ष्मी समस्त संसार की साधारण संपत्ति है, उसी प्रकार से यह परिजात वृक्ष भी यदि अपने पति के बाहुबल का भारी घमंड लेकर सची झूठे ही से अपने वश में रोक रखना चाहती हैं तो जाओ, कह दो, क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है, उनसे जो कुछ करते बनता है कर लें। सत्यभामा परिजात वृक्ष का अपहरण करवा रही है और तुम शीघ्र जाकर उस पुलोम दानव की पुत्री को मेरी यह बात कह सुनाओ, जिसका एक एक अक्षर अत्यंत गर्व और उदंडता से भरा हुआ है। वह यह वचन सत्यभामा कहती हैं, यदि तुम पति की प्राण बल्लवा हो और यदि पतिदेव तुम्हारे बस में है तो परिजात का अपहरण करने वाले मेरे पति के हाथ से इस वृक्ष को रोक लो। मैं तुम्हारे पति इंद्र को भी जानती हूँ और तुम सब देवता क्या हो यह इस विषय में भी मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। तथापि मैं मनुष्य होकर भी इस परिजात का अपहरण करवा रही हूँ, अगर तुम रोक सको तो रोक लो। श्री कृष्ण बल्लभा की यह बात सुनकर बेचारे वन रक्षक सन्न हो गए। उन्होंने इंद्राणी के निकट जा कर के उनकी कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। रक्षकों की बात सुनकर सची को बड़ा रोष हुआ और देवराज इंद्र जो श्री कृष्ण को रोकने नहीं जा रहे थे वे खींच करके उनसे बोली कि आप तो ब्रजधारी हो और आप वृतासुर के विनाशक हो और तिनके के समान समझ करके अत्यंत बलशाली माधव ने अपनी प्रियतमा सत्यभामा के लिए मेरा परिजात ले लिया है, तुम उस वृक्षराज को उनके हाथों से छुड़ाओ। तुमने कितने ही परिजात को अपने अधिकार में कर लिया था और फिर तुम यह क्यों कर रहे हो? तथा भय छोड़ करके देवताओं की सेना के साथ जाओ और तुम युद्ध करो। सची की बात सुनकर के इंद्र ने भयभीत होने के कारण जो युद्ध में मन नहीं उठाया था अपनी को पत्नी की खूब भरी बात सुन करके बार बार कहने पर प्रेरित होकर के मदमस्त होकर के श्री कृष्ण की निंदा करते हुए बोले कि अब तुम हमारा परिजात मैं लेकर के ही आऊँगा और उस श्री कृष्ण को उस युद्ध भूमि में ही मैं गिरा दूँगा। और ऐसा कहकर देवराज इंद्र एरावत पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए निकल पड़े और उसी समय उनके साथ यम, अग्नि और वरुण आदि जितने भी देवतागण थे, जितने भी मरुदगण देवराज के साथ सभी हो लिए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, कुबेर आदि जितने भी लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व, सांदिगण, पितृगण आदि 33 करोड़ देवता थे, वो सभी ने इंद्र का अनुसरण किया और सभी देवता श्री कृष्ण से लड़ने के लिए उनके साथ खड़ग, गदा, सूल, फड़, विभिन्न तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल पड़े। श्री कृष्णचंद्र ने जब देखा कि देवराज इंद्र गजराज एरावत पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए आए हैं तब उन्होंने उनके साथ युद्ध प्रारंभ किया और भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र को अपने बाणों द्वारा लीलापूर्वक सहस्त्र सहस्त्र टुकड़ों में काट डाला। और इस प्रकार सभी देवताओं ने जब श्री कृष्ण पर सचारों तरफ से अपने बाणों की वर्षा आरंभ की, भगवान ने लीलापूर्वक सभी का प्रतिकार किया। भगवान श्री कृष्ण सांग धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा देवताओं को सभी तरफ से मार भगाया और तभी तुरंत ही गरुड़ ने भी एरावत हाथी पर हमला कर दिया और इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने युद्ध करते हुए सभी देवताओं को पराजित किया और तब इंद्र भाग खड़े हुए। जब सची ने देखा कि इंद्र युद्ध से पीठ दिखाकर भाग चले आए हैं तो रोष से आग बबूला हो गई और देवेश्वर इंद्र को फटकारते हुए बोली कि मैं अब स्वयं युद्ध करने जाऊंगी, आपके साथ सारे देवता थे फिर भी आप उस पृथ्वीवासी मनुष्य से हार गए हैं, इसीलिए अब मैं स्वयं जाऊंगी, युद्ध करूंगी और अपने परिजात वृक्ष को लेकर आऊंगी। और सची क्रोध से शिविका पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए प्रस्थापित हुई। सची को आया देख श्री कृष्ण के मन में युद्ध के लिए कोई उत्साह नहीं रहा लेकिन सत्यभामा रोष में भरकर बोली कि अब मैं स्वयं युद्ध करूंगी। लेकिन उसी समय गुरुदेव गुरु बृहस्पति आए और उन्होंने
देव गुरु सभ्यस्पति ने सती को समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान हैं और हे ये बुद्धिमती सत्यभामा देवी लक्ष्मी की साक्षात अवतार हैं। हे देवेंद्र वल्लभे, तुम इनके साथ कैसे युद्ध कर सकती हो? ये इंद्र के प्रति अवहेलना छोड़कर घर लौट चलो। सत्यभामा को पराजित परिजात देकर समस्त देवताओं को भय से मुक्त करो। जिनके भय से हवा चलती है, जिनके डर से आग जलती और जलाती है, जिनके भय से मृत्यु सर्वत्र विचरती है, जिनके डर से सूर्यदेव तपते हैं, ब्रह्मा शिव और इंद्र जिनसे सदा भयभीत रहते हैं, उन श्री कृष्ण को जिन्होंने भौमासुर का वध किया है और यहाँ आए हैं, तुम तो उनको अच्छी तरह से जानती हो। देवगुरु की यह बातें सुनकर सची लज्जित हुई और उन्होंने सत्यभामा और श्री कृष्ण को नमस्कार करके अपने आप को धिक्कारती हुई घर को लौट आई। तत्पश्चात लज्जित हुए इंद्र को नमस्कार करते देखकर श्री कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने कहा कि देवेंद्र, आप हाथ से वज्र के निकल जाने से लज्जा का अनुभव नहीं कीजिए। जब दो लोगों में युद्ध होता है तो एक व्यक्ति का हारना अवश्यम भावी है। तब इंद्र ने कहा कि जो सृष्टि के पालन करता और संहारक करता है, उन परमेश्वर से पराजित होने पर कैसी लज्जा। और सत्यभामा से ऐसा कह करके इंद्र फिर चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर गंभीर वाणी में कहा कि आप देवताओं के राजा हैं और हम लोग भूतलवासी मनुष्य, इसलिए यहाँ आकर के हमने जो भी अपराध किया है उसके लिए हमें क्षमा करें और आप इस परिजात के वृक्ष को ले जा सकते हैं। तब इंद्र ने कहा कि आप अपने आप को साधारण मनुष्य कह के मुझे शर्मिंदा न करें। आप जगत के उद्धार कार्य में लगे हुए हैं और आप इस परिजात को द्वारिकापुरी ले जा सकते हैं, और जैसे ही आप मनुष्य लोक का त्याग करेंगे तब यह भूतल पर नहीं रहेगा। हे गोविंद, उस समय यह स्वयं ही स्वर्गलोक को आ जाएगा। और इस प्रकार श्री कृष्ण उस परिजात के वृक्ष को लेकर के सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए और द्वारिकापुरी पहुँचे, और वहाँ पहुँच करके गरुड़ से उतर करके उन्होंने सत्यभामा के साथ महल में प्रवेश किया और सत्यभामा के गृह उद्यान में उस परिजात को आरोपित कर दिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।